हेलो फ्रेंड्स, इस रेनी सीजन में जो भी मेरा फ्रेंड वर्मी कंपोस्ट की प्रोडक्शन कर रहा है या अभी करने की सोच रहा है या जिसने अभी नई नई शुरुआत की है, उसको एक बड़ी भारी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश ज़्यादा होने के कारण जो केचुए हैं, अर्थवर्म्स हैं, वो बेड से बाहर आ जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं और वो वापस बेड में नहीं जाते। तो आप उसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और ताकि आपको नुकसान कम से कम हो, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको नुकसान ना उठाना पड़े। इस समस्या का सामना सबसे ज़्यादा वो लोग करते हैं जिन्होंने प्लास्टिक की पन्नी नीचे बिछाई हुई होती है। अब ये जो बेड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी लंबाई है 75 फीट, 75 फीट लॉन्ग है ये। इनके नीचे मैंने कोई भी प्लास्टिक की पन्नी नहीं बिछाई है, सीधा ज़मीन के ऊपर ही गोबर डाल रखा है। अब एक बार इस बेड को आप गौर से देखिए, ये आगे जो पराली का कलर है और इस कॉर्नर पे जो कलर है, अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, साफ नज़र आ रहा है। ये जो कॉर्नर है इस साइड में, यहाँ से लेके और इस साइड तक, यहाँ तक, ये है पुराना बेड। इसमें क्या समस्या आती है बारिश के दिनों में, जैसे आपने नया बेड लगा लिया तो आपको अर्थवर्म्स पुराने बेड से कलेक्ट करने पड़ते हैं। और ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है कि आप अर्थवर्म्स को अलग नहीं कर सकते वर्मी कंपोस्ट से, वो दिक्कत हो जाती है क्योंकि बेड पूरा गीला होता है। इसलिए मैंने क्या किया, नया बेड लगाया, उसके साथ में पुराना बेड पूरा उठा के इसके साथ में लगा दिया। ये देखिए, इसमें पूरा ये कन्वर्ट हो चुका है वर्मी कंपोस्ट के अंदर। अब दो तीन दिन में क्या होगा, ये जो केचुए हैं ये साइड में नए गोबर में चले जाएंगे और इसमें सिर्फ ये वर्मी कंपोस्ट बचेगी और ये थोड़ा मौसम ठीक होने के बाद हम उठा लेंगे। अगर वर्मी कंपोस्ट की लेयर 1-2 इंच की बची है तो आप उसी के ऊपर गोबर डाल सकते हैं। केस में क्या था, 6-7 इंच की लेयर बची हुई थी और सारी वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो चुकी थी क्योंकि कई दिन हो गए थे, टाइम नहीं मिला, बारिश बार बार हो रही थी, लगातार हो रही थी। अब ये देखिए, इसको यहाँ पे शिफ्ट किए हुए 1 दिन ही हुआ है और ये केचुए हैं इस जो ताज़ा गोबर है इसके अंदर आ चुके हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। अभी और देखते हैं यहाँ से, ये देखिए केचुए नज़र आ रहे हैं। बारिश में एक चीज़ आपको और करनी है, जो भी इसके ऊपर आपने पराली लगा रखी है, किसी भी चीज़ से ढक रखा है, जैसे मैंने अब पराली लगा रखी है, तो आपको क्या करना है, इस पराली की जो परत है उसकी लेयर डबल कर देनी है, एक मोटी लेयर लगानी है, ताकि क्या होगा, जब बारिश होगी तो जो केचुए हैं आपके कम बाहर निकलेंगे। ऐसा क्यों होता है, जैसे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो ज़मीन के अंदर केचुए होते हैं वो हमें कभी दिखाई नहीं देते, बारिश के टाइम पे ही वो दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि तेज़ बारिश जब पड़ती है ज़मीन के ऊपर तो वाइब्रेशन सी होती है और वो ज़मीन में ट्रांसफ़र होती है, तो उस हलचल से क्या होते हैं, केचुए विचलित हो जाते हैं और वो बाहर भागते हैं, तो इसीलिए वो बाहर आते हैं बारिश के अंदर। आप इस पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि मौसम ठंडा इसलिए वो घूमने निकले हैं, ऐसा होता तो वो सर्दियों में भी बाहर दिखाई देते हैं। अब ये देखिए केचुए, अब जिन्होंने भी पन्नी बिछा रखी है बेड के नीचे उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी बताऊँगा तरीका, जो केचुए बाहर भाग गए हैं उनको आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने भी कई बेड लगा रखे हैं जिनके नीचे मैंने पन्नी बिछा रखी है। अब ये बेड देखिए, इनके बीच में भी मैंने जो पुराने बेड हैं वो लगा रखे हैं। ये पराली का डिफरेंस इसीलिए है कि ये पराली है जो पुराने बेड पे थी, वही मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि ये जो एरिया है ये पुराने बेड का है, मैं वर्मी कंपोस्ट यहाँ से उठा सकूँ। अब ये देखिए, ये नीचे मैंने कोई भी पन्नी नहीं बिछाई है, सीधा ज़मीन के ऊपर है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि ये जो केचुए हैं ये क्या ज़मीन के अंदर नहीं जाएंगे, तो ये ज़मीन के अंदर तभी जाएंगे जब ये जो गोबर है पूरा वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और आप इनको टाइम पर नया गोबर नहीं देंगे, तब ये ज़मीन के अंदर जाएंगे। और ज़मीन के अंदर भी इतना जाएंगे कि ऊपर वाली लेयर में ही रहेंगे, आधा या 1 इंच की ऊपर की जो लेयर है वहाँ ये रहेंगे, और जब आप नया गोबर डालेंगे तब ये सारे के सारे जो केचुए हैं उस नए गोबर में आ जाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो का आधा देख चुके हैं तो आप शायद, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ,
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इन्हीं बेड के साइड में ये देखिए, ये कई बेड हैं जिनके नीचे मैंने प्लास्टिक की पन्नी बिछा रखी है। अब आइए दिखाता हूँ आपको, इसके नीचे केचुए गए हुए हैं प्लास्टिक की पन्नी के नीचे। ये देखिए केचुए, ये देखिए, कहीं कहीं तो बड़ी भारी संख्या में केचुए बाहर आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे हर जगह केचुए मिलेंगे नीचे जमीन के अंदर। अब इनके सामने एक समस्या हो जाती है कि ये मान लो गोबर के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो ये प्लास्टिक की पन्नी के होने के कारण ये जा नहीं पाते, ये इस प्लास्टिक की पन्नी के नीचे घुस जाते हैं। ये इनकी खास बात होती है कि ये 5-6% ये मिट्टी खा लेते हैं, और इस वजह से क्या है, ये जिंदा रहते हैं और इसलिए हमें नुकसान नहीं होता ज़्यादा, और जब इनको गोबर मिलता है तो ये गोबर में आ जाते हैं। अब ये देखिए, ये है ज़मीन का केचुआ जो ज़मीन में रहता है, कितना सॉलिड है ये। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको अपना काम करने देते हैं और हम अपना काम करते हैं। अब ये देखिए, ये है पुराने बेड, और इनमें से कई बार हमने वर्मी कंपोस्ट हार्वेस्ट कर ली थी, और ये जो बीच में जगह है यहाँ पे केचुए आए हुए हैं, ये आपको दिखाता हूँ मैं। बारिश इतनी हुई थी कि ये बेड बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहे थे, ऊपर तक पानी था। और ये केचुए देखिए आप, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, चलिए और दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, अब सबसे बड़ी समस्या है इनको कलेक्ट करना। अभी इनका एक बेस्ट तरीका है कलेक्ट करने का, अब ये जो बीच का पोर्शन है, दोनों बेड के बीच का पोर्शन, हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोबर डाल देंगे जो ताज़ा होगा। ताज़ा का मतलब 2-3 दिन पुराना हो, और जिसमें से हम मीथेन निकाल चुके हों वो गोबर यहाँ रख देंगे। और उसकी हाइट इन बेड से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जितनी बारिश हो उस लेवल से थोड़ी ज़्यादा। और उससे क्या होगा, जितने भी केचुए हैं आसपास के सारे इस गोबर में आ जाएंगे। आपको ऐसी ढेरी कम से कम हर बेड के अंदर, बीच के अंदर आपको 2-3 बनानी है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 2-3 बना देंगे तो आसपास के जितने भी केचुए हैं वो सारे के सारे गोबर के अंदर आ जाएंगे 4-5 दिन के अंदर। फिर आप उस ढेरी को उठाकर बेड में डाल दें। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, उस ढेरी जो आपने बनाई है उसके अंदर दिन में आपको 2 बारी पानी डालना है, उसको गीला रखना है, इससे आसपास के केचुए हैं वो जल्दी गोबर के अंदर आएंगे और गोबर भी ठंडा रहेगा। अब आपके मन में एक डाउट और होगा कि गोबर 10 दिन तक हमें ठंडा करना है, पानी डालना है, अच्छी तरह ठंडा हो जाए फिर इसमें डालना है। तो ऐसा तब करते हैं जब आपको पूरा बेड बनाना हो। हमें क्या करना है, छोटी छोटी ढेरियाँ बनानी है, तो वो उनमें ज़्यादा गर्मी नहीं बनेगी, आप 3-4 दिन उसको ठंडा करके फिर यहाँ पे डाल सकते हैं। और वैसे भी आप दिन में 2 बार पानी डालेंगे तो वो गर्म नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।